आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के एक स्कूल में आतंकी हमला हुआ। 2 से 3 दहशतगर्दों ने 2 टीचर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आतंकी दोनों टीचर्स को काफी लंबे समय से टारगेट कर रहे थे। आतंकियों ने दोनों का नाम और पहचान देखकर गोली मारी। स्कूल में आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं। गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों को खोजा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आतंकी कश्मीर में गैर मुस्लिमों को ज्यादा निशाना बना रहे हैं। खून खौलना चाहिए, कलेजा कपाने वाली इस चीख को सुनकर लहू उबलना चाहिए, इस मां की लरसती हुई चीत्कार को सुनकर आक्रोश अति पर होना चाहिए, इस महिला की आवाज सुनकर श्रीनगर के इन आंसुओं का कतरा कतरा हिसाब होना चाहिए। बर्दाश्त की दीवार पर्दे की तरह हिलनी चाहिए जमीन पर पड़े इन बेजान जिस्मों को देखकर। अंतिम प्रतिकार होना चाहिए लहूलुहान घाटी के दर्द का एहसास कर, क्योंकि इंसानियत के दुश्मनों ने कश्मीरियत पर खूनी प्रहार किया है, क्योंकि एक बार फिर कायर अधर्मियों ने मानवता के विरुद्ध छद्म युद्ध छेड़ दिया है। समूचा देश प्रतिकार मांग रहा है। जो जो भी आतंकवादी या आतंकी संगठन या उनके मददगार इस हमले की साजिश में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा, खून का बदला खून से लेंगे। श्रीमती सतिंदर कौर जी हों, श्री दीपक चंद जी हों या कश्मीरी पंडित बिंद्रू साहब हों, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बार स्कूल में खूनी कोहराम मचाया दहशतगर्दों ने। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहां सुबह 11 बजे 2 से 3 बंदूकधारी आतंकी दाखिल हुए। पहले स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर को गोली मारी और फिर टीचर दीपक चंद की हत्या कर दी। दोनों के सिर में गोली मारने के बाद आतंकियों ने स्कूल में जमकर फायरिंग की। जैसे ही ये खूनी आवाज गूंजी, कोहराम मच गया। फौज पहुंची, खुद डीजीपी पहुंचे, पुलिस की पूरी पलटन उतर गई स्कूल में। घाटी से दहशतगर्दी का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा लेने वाली सेना और पुलिस दोनों प्रतिकार का प्रण दोहरा रही हैं। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक इस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जाने गई है। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और श्रीनगर पुलिस काफी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है। मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। कत्ल के बाद दीपक के घर मातम पसरा हुआ है। आतंकी गोली से आफत का पहाड़ टूटने से जम्मू में दीपक चंद के घर हाहाकार है, तो श्रीनगर में सुपिंदर के परिवार में भी कोहराम मचा है। बूढ़ी माँ चीत्कार कर रही है, आस पड़ोस के लोग रो रहे हैं। आंसुओं में लिपटी चीख से दीवारें कांप रही हैं। स्कूल के साथी रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, गार्जियन रो रहे हैं, आसमान रो रहा है, धरती रो रही है। सब पूछ रहे हैं कि बताइए क्या खता थी दीपक की, क्या कसूर था सुपिंदर का। इनको हम मिलिटेंट कहते हैं, जो एक निहत्थी लड़की पे जो स्कूल तालीम फराहम करने जा रही है हमारे बच्चों को, उस बच्चे को कोई मारे उसको मिलिटेंट कहेंगे, तो फिर टेररिस्ट किसको कहेंगे। मक्खनलाल बिंद्रू ने क्या बिगाड़ा किसी का, विंदर पासवान गोलगप्पे वाला था क्या बिगाड़ा, दीपक चंद ने क्या, इस बेटी ने क्या बिगाड़ा। ये मत सोचो सरदार बेटी का कत्ल है, ये कत्ल जो है इंसानियत का कत्ल है। क्या कोई मजहबी इजाजत देता है कि एक बेटी पर नित्यावार की जाए, कोई मजहबी। बिल्कुल छोटी सी मिनाटी है, 2-4-5 इलाके ही हमारे हैं,
और क्या भी हम छोटे छोटे मुलाजम हैं, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई प्यून है, कोई कहीं है, कोई बैंक में मुलाजम करता है, सबको जाना है। यही डर रहेगा तो कौन घर से बाहर निकलेगा, कौन नौकरी करेगा, कैसे कर पाएगा। सुपिंदर और दीपक की हत्या 100% टारगेट किलिंग का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाटी से आतंकवाद खत्म करने की प्रतिज्ञा का नतीजा है। हिंद की सेना की दहशतगर्दी की जड़ पर चोट करने का नतीजा है। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और बाजवा आर्मी की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि सेना के डर से कांप रहे आतंकी पिछले एक हफ्ते से लगातार आम आदमी को निशाना बना रहे हैं, धर्म की लकीर खींच रहे हैं। यही वजह है कि वर्दीधारी इन्हें खोज खोज कर मारने का संकल्प दोहरा रहे हैं। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है। आतंकी कश्मीर में बढ़ रहे अमन चैन को लेकर विश्वास को डिगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 7 आम लोगों को गोलियों से छलनी किया गया है। 7 अक्टूबर को श्रीनगर में 2 टीचर की हत्या हुई। 6 अक्टूबर को श्रीनगर में फार्मासिस्ट माखन लाल बिंद्रू की हत्या की गई। 6 अक्टूबर को ही बिहार के एक ठेले वाले वीरेंद्र पासवान को मारा गया। उसी रोज बांदीपुरा टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन की हत्या की गई। 2 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकियों ने 2 आम नागरिकों की हत्या कर दी थी। ये 5वें दिन में ऐसे माइनॉरिटी जो यहाँ पे सेक्शन है उस पर लगभग कह सकते हैं कि दूसरा अटैक है। अगर हम बीते 48 घंटों की बात करें तो पहले जो मक्खनलाल बिंद्रू थे उन पर भी हमला किया गया, और पुलिस के अनुसार वो हर तरीके की जो है अभी यहाँ पे तफ्तीश कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स कहाँ से आए थे, कैसे उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। इन तमाम हत्याओं की जिम्मेदारी उसी TRF ने ली है जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का ही फ्रंट कहा जाता है, जो आम नागरिकों की हत्या करने के लिए कुख्यात है, जिसके टारगेट पर सबसे ज्यादा हिंदू और सिख होते हैं, जो 90 के दशक की तरह अल्पसंख्यकों में दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन इस बार आतंकियों का नाश करने के लिए सरकार और सेना प्रतिबद्ध है। खूनियों से टकराने के लिए आम कश्मीरी भी डट कर खड़ा है। एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूं, ये हूं मैं, मेरे बाप की बेटी, आजा सामने। कुछ गिनती के कायर गद्दार पाकिस्तानियों के साथ मिलकर खून से सींच कर खौफ की खेती करने की कोशिश में है, क्योंकि धारा 370 से कश्मीर की आजादी उन्हें खलती है, लोगों का बेखौफ होना उन्हें खलता है। इसलिए आतंकियों ने इस साल अब तक 25 सिविलियंस की हत्या कर दी है। इस साल सबसे ज्यादा श्रीनगर में 10, पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2, बड़गाम और बांदीपुरा में 1-1 सिविलियन को आतंकियों ने मारा। ज्यादातर मामले टारगेट किलिंग के, यानी आतंकियों ने पहले से ही अपना टारगेट तय किया हुआ था और उनकी हत्या कर दी। घाटी में आतंकी हमले में जबरदस्त गिरावट आई है, लेकिन आम लोगों को आतंकी लगातार निशाना बनाने लगे। यही वजह है कि एक बार फिर जब श्रीनगर के स्कूल में आतंकियों ने खूनी खेल खेलने की जुर्रत की तो श्रीनगर से दिल्ली तक अलर्ट हो गया, ताबड़तोड़ बैठकें होने लगी। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर गृह मंत्रालय में करीब 2 घंटे 45 मिनट तक टॉप लेवल मंथन हुआ। गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में NSA अजीत डोभाल, IB चीफ, गृह सचिव के साथ CRPF, BSF के टॉप ऑफिसर्स भी शामिल थे। सरकार ने सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकार ने बता दिया है कि बदला लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, क्योंकि सेना लगातार जंगल जंगल खोज रही है उन आतंकियों को जो छिप कर वार करते हैं कश्मीरियत पर। श्रीनगर से मिराज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।